राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से हाथरस की खबर। डेंगू के मरीज के लिए फरिश्ता बने विशाल शर्मा, खून देकर बचाई युवती की जान। हाथरस अखिल भारतीय युवा महासभा के प्रदेश महासचिव एवं संस्कार वेलफेयर सोसाइटी रोटी बैंक के प्रदेश अध्यक्ष उपवेश कौशिक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोई महिला डेंगू से ग्रस्त है और उसका ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। उसकी प्लेटलेट्स 35,000 रह गई हैं, ब्लड की अधिक आवश्यकता है। प्राप्त सूचना पर तत्काल रूप से अखिल भारतीय युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने बागला अस्पताल ब्लड बैंक पहुंचकर अपना ओ पॉजिटिव ब्लड दिया, खून देकर जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई। विशाल शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हुई वो और उनकी टीम तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचे। सभी ने पहुंचकर समय पर ब्लड डोनेट किया। महिला के पति राजकुमार ने कहा कि सभी युवा हमारे लिए फरिश्ते बनकर पहुंचे, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे एक मैसेज पर समय पर एक साथ इतने लोग आ जाएंगे। हम सभी युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि हम सभी युवा अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि इस महामारी के समय में आगे आकर लोगों की मदद करें जिन्हें प्लाज्मा ब्लड और अन्य चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। अगर हमारे खून देने से किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। इस महामारी से निपटने के लिए एक दूसरे का साथ बहुत ही ज़रूरी है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा के साथ गाजियाबाद के अखिल भारतीय युवा महासभा के प्रभारी भारत भूषण शर्मा एवं प्रदेश महासचिव उपवेश कौशिक, जिला संगठन मंत्री सूरज यादव, शुएब खान, नगर सचिव कृष्ण कुमार वाशड़े, मनीष कश्यप, मोहित तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। संवाददाता अनिल चौधरी, जनपद हाथरस।